अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम ही अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ किड्स के लिए। आपको पता है बच्चे डिमांडिंग होते हैं, रोज़ाना उनको डिफरेंट ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, तो ये बहुत ईजी और क्विक ब्रेकफास्ट है। और टू टाइप मैं आपको सैंडविच सिखाऊंगी, ठीक है? लाइक इसको आप फ्रेंच टोस्ट भी कह सकते हैं, सैंडविचेस भी कह सकते हैं। टू स्टाइल में सिखाऊंगी, एक न्यूटेला के साथ और एक में चीज़ स्लाइस के साथ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टू पीस ब्रेड के लेके इसको, इसकी जो एजेस हैं इनको कट करना है, ठीक है? अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो ये कट ना भी करें तो भी आप बना सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छी नीट सी लुक आएगी, ठीक है? तो इसलिए मैंने इनको कट किया है। और दूसरा, ये वेस्ट नहीं करें आप इनका, इनको ग्राइंड करके जो है आप ब्रेड क्रम रेडी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जब ये बच जाते हैं तो मैं इनमें इनको ब्रेड क्रम बना लेती हूँ, ठीक है? तो ये हम साइड पर रख देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग अपना बैटर तैयार करते हैं। ये हमने रेडी करके रख लिए हैं। एक अंडा लेंगे, अंडे में हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ठीक है? 1 से 2 स्पून्स और 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। अच्छा, एक स्लाइस पे मैं न्यूटेला लगाऊंगी और एक स्लाइस पे मैं चीज़ के स्लाइस रखूंगी। अच्छा, ये मैं जो हूँ चेडर चीज़ ले रही हूँ, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, ठीक है? इज़ अप टू यू। आप इसके सेंटर में लेंगे, सेंटर में रखेंगे इसको। अब इसको आपको इस तरह से साइड से ऐसे जैसे लॉक करना है, ठीक है? ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। ओके, इस तरह से आपने इसको फोक की मदद से आपको इसको ऐसे लॉक कर देना है, ठीक है? अब दूसरे स्लाइस पे हम न्यूटेला अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है? आपने इस तरह दोनों साइड्स पे लगा देना है। बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए तो डिफरेंट आइडियाज़ हर सभी जो मम्मीज़ होती हैं वो सोचती रहती हैं रोज़ाना कि उनके लिए ऐसा क्या ट्राई करें कि जो उनको अच्छा भी लगे और जिससे वो लोग खुश भी हो जाएं और ऐसा भी नहीं हो कि वो हेल्दी ना हो, ठीक है? तो ये हमने दोनों साइड्स पे लगा दिया है। अब इसको भी मैं इसी तरह से दोनों चारों तरफ से ऐसे लॉक कर दूंगी, ठीक है? तो अब हम इसको अब फ्राई करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हम इसको कैसे फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पैन ऑन करते हैं और इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मैं ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है? आप बटर डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, असली घी या वैसे भी नॉर्मल अगर जो आपको पसंद है, ठीक है? तो मैंने इसमें ऑयल डाला है। अभी थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपने स्लाइसेस डालेंगे। तो अब हम इसमें स्लाइसेस डालेंगे। अच्छा, हम लोग इस तरह से चारों तरफ एग को लगाएंगे। अच्छा, अगर जो लोग एग पसंद नहीं करते या नहीं खाते वो इसको डायरेक्ट एग नहीं लगाएं और डायरेक्ट इसी तरह से भी लाइक बना सकते हैं ऑयल में फ्राई करने, ठीक है? तो आप इसको स्किप कर सकते हैं जो लोग नहीं खाते एग्स, या कुछ बच्चे भी पसंद नहीं करते, ठीक है? मैं सेकेंड स्लाइस भी इसी तरह से करूँगी।
जब आपको लगे कि एक साइड से ये हो गया है, कुक हो गया है, तो आप इसको टर्न कर दें। अच्छा, इसके अंदर समटाइम में जैसे लाइक कभी भुरता हुआ आलू का बचा हुआ हो आपके पास, या तो आपके पास थोड़ा सा चिकन बचा हुआ हो, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। और ये बड़े मज़े का जैसे लाइक पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार हो जाता है थोड़ी सी चीज़ डाल के। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो भी कभी ज़रूर बना के दिखाऊंगी। वो भी बहुत मज़े का बनता है और बहुत इजी है वो भी। लाइक लेफ़्ट ओवर जो होता है खाना, उससे भी हमें इस तरह से बनाना चाहिए, ताकि अच्छा यूटिलाइज भी हो जाता है और एक अच्छा सा मज़े का नई सी डिश तैयार हो जाती है। तो एक मिनट में ये रेडी हो जाएगा हमारा, तो फिर मैं आपको इसको कच करके दिखाती हूँ। सो ये रेडी हो गया है, अब आपको मैं इसको कच करके दिखाती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ और रेसिपीज़ चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।